नया दिन, नई रात, जीवन की नई सौगात। एक इंसान के सात रूप होते हैं। छोटे तू मेरे को ये बता कि मेरी बहन का कौन सा रूप लेके आया तू? ये बता मेरे को पहले कौन सा रूप लेके आया तू? मेरे को ये बता छोटे, ये वो है क्या? ओ जी जी जी, वो पगलेट है क्या ये? या फिर वो है इंस्पेक्टर दारा मलिक खान? या फिर वो है ओ कितना छोटे, कौन सी है यार? बता मेरे को कौन सी है, तू बता कौन सी वाली है? बस बस बस, इससे पहले मैं अपना लिहाज भूल जाऊं और 8 साल का इंतजार भूल जाऊं। पीछे हटिए, मैंने कहा पीछे हटिए। ये तो ओरिजिनल है, वो कोई वाली हिटलर दीदी, ये तो आ गई। ये क्या हालत बना रखी है मेरे घर की? शोर शराबा तो ऐसे मचा रहे थे जैसे कि मच्छी बाजार हो। ये दस मिनट के अंदर अंदर अगर ये घर साफ नहीं हुआ ना तो किसी की खैर। जब मैं कहती हूँ तो मुझे बच्ची समझ के टाल देते हो। पड़ गई ना मम्मी की डांट। चले काम पर लग जाओ सब। बाबा मामी जी, नीचे शीशे की तरह चमकना चाहिए पूरा घर, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। याद है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मजबूर क्या कीजिए, रास्ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। से मुसलसल कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। ओए इंदु, ये तेरी मम्मी और मेरी श्रीमती जी,
कभी कभी सबके सामने ना गले लगा लेना चाहिए, झप्पी डाल लेनी चाहिए, समझी? अच्छा कितना था क्या? क्या ऐसे मुंह फाड़ के देख क्या रहे? मुंह बंद करो अपना, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। और पिछले 8 सालों में क्या क्या कारनामे किए आप लोगों ने? और कैसे हो भाई साहब? तेरे को याद करता रहता था सारे टाइम, तेरी याद में मैंने एक गाना पकड़ा, फूलों का तारों का सबका कहना है एक, हजारों में मेरी बहना है, सारी। किरायेदार जी। जी। सर्कस में मुझ पर चाकूबाजी करवाने के लिए इन्होंने कितने पैसे लिए थे? पूरे 5,000 सर का। छोटे कहाँ है वो? घबराइए मत, आपसे तो एक एक पाई का हिसाब लेना है मुझे, आराम से बता दीजिएगा। कैसी हो माँ? इंद्रा, अगले जन्म तुझे मेरी ही बिटिया कीजो, पर किसी को ऐसी अम्मा ना दीजो। बता ना मम्मी, कितने रुपए लिए थे इसको भगाने के उस पाकिस्तानी फौजी के साथ में? बता बता बता। अरे कमीने, चुप कर। रोना धोना छोड़ो माँ, सिर्फ ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं? ओए रब्बो, रब की कसम, अरे तरबूज और पानी में ना सारे पैसे गीले हो गए, उसमें से कुछ पैसे ना इन कमीनों ने लिए हैं। सच कहती हूँ बेटा, ये जो आंसू है ना पैसे की नहीं है, तेरी यहाँ आने की खुशी में है बेटा। सच। बस 8 साल बाद आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आंसुओं का मतलब भूल चुकी हूं। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही। एक करोड़ कहाँ है? मेरे 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़? हाँ। ये भाषा तो मैं कब की भूल चुकी हूँ इंदिरा, मोह माया इन सब से मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। यही मंत्र सीने से लगा लिया है, इसी से मुझे मुक्ति मिली है। ढोंगी कहीं की बुआ, जब तक इनके सारे पैसे खत्म नहीं हुए ना, इनको इस घर की भी याद नहीं आई। वो तो अपने बच्चों को भी भूल गई थी। इतना बड़ा हो गया तू?
इतना बड़ा हो गया। लेकिन अब तक चश्मा साफ करने नहीं आया तुझे। इतने सालों में किसको मेरा चश्मा साफ करने की फुर्सत कहाँ थी बुआ? इतना बड़ा हो गया और रो रहा है, ये ले। कैसा है तू? अब पढ़ाई ठीक से कर रहा है ना? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? बचपन में तो मेरा ईशान गोलू मोलू हुआ करता था, इतना दुबला कैसे हो गया तू? ऋषि कुमार, मम्मी ने मुझे देखते हुए गले क्यों नहीं लगाया? ईशान भैया को इतना प्यार क्यों कर रही है? शहर से तो मिलवा दे अपनी मम्मी को, फिर शहर तेरे से झगड़ा करेगी, तेरे से बात नहीं करेगी, साथ में खेले के भी नहीं, नाराज होके बैठ जाएगी। चल जा मम्मी को मिलवा, जल्दी जा, कट्टी हो जाएगी वरना वो। हाँ मैं तो भूल ही गई, मम्मी इधर आओ। ये देखो ये शहर है, ईशान भैया की छोटी बहन हो। इसे तो इसकी आंखें देखकर ही पहचान गई थी। मेरी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई तू? पहचाना? मुझसे गले नहीं मिलना चाहती है तो मत मिल, पर कम से कम मुझे तेरे पैर तो पड़ने दे। बरसों से इतना भारी बोझ लेकर घूम रहा हूं मैं अपने दिल पर, तुझे नहीं पता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अरे अरे ये आप क्या कर रहे हो? ये आपकी बेटी है, आपको इसके नहीं इसे आपके पैर छूने चाहिए। हाय रब्बा, ये होती कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? हाँ आई बड़ी। अब इसमें इतनी सी भी तमीज नहीं है तो आपको झुकना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है ना? धमकी देता है हमको, धमकी देता है। ऐ देखो ये हमको धमकी देता है, अभी तुमको दिखाएगा कि सच्चाई क्या है। ये नई ड्रामा क्वीन कौन है जो मुझे मेरे घर में तमीज सिखा रही है? ये जारा
ट्रैक्टर जा रहा की ननद और अपने गजनी की कहीं रहती है? हाँ यहीं पलती रहती है, बिल्कुल फ्री में बाइक। गॉड बबली मेरी बात सुन, जब से तू चली गई मेरे मन ने हमेशा मुझे कचोटा है। कि अगर मैं एक जिम्मेदार बाप होता तो मेरी बच्चे की जिंदगी कुछ और ही होती। कई बार अकेले में दिल ही दिल तुझसे बातें करता था मैं, लोग देखते थे तो कहते थे मैं पागल हूं। एक तरह से तो पागल हो ही गया था मैं। पर हां तेरी सिंधु को देखकर मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि तू मेरी वो छोटी सी बबली बनकर लौट आई है। इंदु के बारे में बाद में बात करेंगे। मिस्टर इंदा शर्मा पहले ये मामला खत्म कर ले। आशा करती हूं कि 8 सालों में आपके रहन सहन आपके तौर तरीकों में कुछ सुधार आया होगा। या फिर वैसी ही है कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी की टेढ़ी। पैर कब्र में लटके हुए लेकिन आदतें अब भी नहीं बदली। देखिए मिस्टर शर्मा, मुझे फिर से भगौड़े इंदर शर्मा की बेटी कहलाना पसंद नहीं होगा क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। ये मेरी बच्ची है ना, इसकी शिक्षा दीक्षा लालन पालन सब कुछ करना है मुझे, और मैं ये नहीं चाहती कि आपकी वजह से इस घर में और तमाशा खड़ा। समझे मिस्टर इंदर शर्मा? आपने नानू को क्या कहकर बुलाया? इंदर शर्मा, जब खुद के पापा को नाम लेकर बुलाती हो तब कुछ नहीं। मम्मियों के दादागिरी। हाँ दो हिटलर की टशन में ना जाने क्या होगा। एक तरफ हिटलर मम्मी है और दूसरी तरफ ये छोटी हिटलर। बचा लो ना भगवान, इस पंगे में जीत किसी की भी हो लेकिन हारेगा यही बेचारा ऋषि कुमार।